अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन की। ठीक है, नंबर फंक्शन है जैसे काउंट और सम यूज किया था, एग्रीगेट ही करते हैं, पर मैक्स और मिन तब यूज होते हैं जब हम किसी वैल्यू के अंदर की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा सेट्स है और इस डेटा सेट में से मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्स फंक्शन हम यूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए और मिन फंक्शन हम यूज करते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अगर मैं यहाँ पर मैक्स लिखता हूँ, डेटा सेट सेलेक्ट करता हूँ, अब देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू निकल आई है, और अगर मैं मिन लिखता हूँ और डेटा सेट जो सेलेक्ट करता हूँ तो मिनिमम वैल्यू निकल आई है। तो ये फर्स्ट मैक्सिमम और लोवेस्ट मिनिमम निकाल देता है।